हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कलरफुल क्रोशिया में स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो रंग का पोचो बना के लेके आई हूँ, जो कि डार्क पिंक और सी ग्रीन कलर से बनाया है। मैंने इसे 12 से 14 साल गर्ल्स के लिए बनाया है और मेरी ये बेबी बूल है और 9 नंबर का क्रोशिया हुक है। ये देखिए, मैंने इसके पोम कुछ अलग तरीके से बनाए हैं और मैंने इसमें पफ स्टिच का इस्तेमाल किया है। ये देखिए मेरे पोचो की लुक कैसा लगेगी आपको। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं इसकी गले से नाप के दिखा देती हूँ। गले से इसकी लंबाई है 21.5 इंच। अब हम इस पोचो को बनाना शुरू करते हैं। पोचो शुरू करने के लिए ऐसे उंगली पे उंगली लेके और हमें लगा लेनी है एक स्लिप नोट। ये देखिए, स्लिप नोट लगाने के बाद हमें इसमें लेनी है चेन। देखिए, इसको ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज करना है। देखिए, अब हमें क्रोशिए में ऐसे लेते हुए हमें लेनी है चेन। चेन स्टिच की मदद से हम चेन लेते रहेंगे और ये हमें लेनी है 108 चेन। देखिए, मैं 108 चेन लेके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, ये मैंने 108 चेन बना ली है और चेन को ऐसे पकड़ते हुए पीछे की तरफ जाते हुए इसमें कोई बल ना आए और इस प्रकार से हमें इसके सबसे लास्ट वाली चेन में अंदर की तरफ से ऐसे स्लिप स्टिच लेके और इसे ऐसे इसमें से निकाले और फिर इसमें से निकाले जोड़ देना। ये दोनों अब आपस में जुड़ गई हैं। अब हमें लेनी है 3 चेन। 3 चेन इसलिए क्योंकि डबल क्रोशिया की हाइट की होती है 3 चेन। अब हमें इस पूरी चेन में करना है डबल क्रोशिया। हर एक चेन में से क्रोशिया लेते हुए और क्रोशिया पे ऊन लेके इस तरीके से और हम डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। ये देखिए, ये पूरी रो डबल क्रोशिया की होगी और इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया कर लेना है हर चेन में से। इस तरीके से मैं पूरी चेन में डबल क्रोशिया करके और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 108 चेन बना के और बीच में ये 54 पे मार्कर का निशान भी लगा लिया है। अब हमें इसे जोड़ना है क्रोशिया पे कोई ऊन ना लेके और ये 3 की चेन में सबसे ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच की मदद से हम इसे जोड़ देंगे। अब हमें लेनी है 3 चेन क्योंकि डबल क्रोशिया की हाइट की होती है 3 चेन। 3 चेन लेके अब इसमें से करना है हमें डबल क्रोशिया। एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, ये हमारे हो गए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हमारा एक क्लस्टर बन गया। देखिए, ये एक फ्रंट का हिस्सा है, एक ये हमारा बैक का हिस्सा है पोचो का। ये देखिए, क्लस्टर बनाने के बाद बीच का हमें बनानी है 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद 2 छोड़ के थर्ड में हमें लेना है एक सिंगल क्रोशिया। लेनी है हमें 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद 1 2 थर्ड में लेना है हमें 6 डबल क्रोशिया। 2 3 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। शुरू में 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 1 चेन और फिर बाद में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 2 चेन, 2 चेन हमें नीचे छोड़ देनी है और थर्ड में लेना है हमें एक सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन नीचे छोड़ के थर्ड में लेना है हमें 6 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये क्लस्टर, उसके बाद एक
सिंगल क्रोशिया, फिर सिक्स डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया। अब फिर हमें लेना है दो चेन लेके और दो चेन नीचे से छोड़ के थर्ड में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हमारी पूरी रो इसी तरीके से बनेगी, मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया, बीच में दो चेन, नीचे दो चेन छोड़नी है और ऊपर दो चेन लेनी है। इस तरीके से मैं बनाते हुए ये पूरी बीच क्लस्टर तक आ गई हूँ जहाँ में हमने 54 उसका निशान लगाया था। इसको निकाल के दो चेन लेके हमें फिर बनाना है सिक्स डबल क्रोशिया। लेकिन इस सिक्स डबल क्रोशिया के बीच में, क्योंकि एक क्लस्टर है, इसके बीच में ली जाएंगे एक फ्रंट का हिस्सा, एक बैक का हिस्सा, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, बाकी सब बीच में सिक्स डबल क्रोशिया के बीच में ली जाएंगी एक चेन और यहाँ पे सिर्फ ली जाएगी दो चेन। अब हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। देखिए एक हमारा फ्रंट का हिस्सा ये हो गया और एक ये हो गया, एक फ्रंट है पोचो का और एक बैक है, और इसके बीच में हमारा आया है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ सिक्स डबल क्रोशिया, जिसके बीच में मैंने ली थी एक चेन, और यहाँ पे ली है मैंने दोनों जगह दो डबल सिक्स डबल क्रोशिया, दो चेन। इसी तरीके से मैं इधर बनाती हूँ। देखिए तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद लेनी हमें दो चेन और दो छोड़ के थर्ड में हमें लेना है एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमें लेनी है दो चेन, फिर दो छोड़ के और इसके वन टू थ्री, थ्री की चेन में हमें स्लिप स्टिच की मदद से इसे ऐसे जोड़ देना है। फिर उससे अगले क्रोशिया चेन में क्रोशिया डाल के और हमें करना है एक स्लिप स्टिच। ये देखिए मेरा पोचो इस तरीके से बना है, यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया दो चेन है, यहाँ पे भी सिक्स डबल क्रोशिया दो चेन, और बाकी सब के बीच में हमें सिक्स डबल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया लिया। ये हमारे क्लस्टर को छोड़ के बीच के डिज़ाइन बने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ही दर हैं। अगर हमें ये छोटा या बड़ा करना है तो हम इनको यहीं पे बढ़ाएंगे। ये हम छः भी कर सकते हैं, सात भी कर सकते हैं, आठ और नौ भी कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा करना है तो इसी डिज़ाइन को यहाँ पर नोक कर देंगे, आठ की बजाय ये दोनों तरफ नौ नौ होंगे, और छोटा करना है तो ये साथ साथ भी कर सकते हैं हम बीच का डिजाइन ये वाला। अब हमें लगाना है दूसरा रंग, उंगली पे ऐसे ऊन लेके और स्लिप नोट लगा के और इसमें से ऐसे बीच में से लेके, क्लस्टर के बीच में से लेके और हमें ऐसे स्लिप स्टिच की मदद से ऐसे इसमें से निकाल दें। अब हमें लेनी है तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद हमें लेना है डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया और ये दो बार डबल क्रोशिया, एक तीन की चेन और ये दो बार डबल क्रोशिया, ये हमारा हो गया तीन डबल क्रोशिया, दो चेन फिर तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर हमें लेनी है तीन चेन, तीन चेन लेके जो ये सिंगल क्रोशिया, इसमें हमें करना है एक पफ बनाना है। देखिए क्रोशिया पे ऐसे ऊन लेके एक बार क्रोशिया डालना, ये दो बार क्रोशिया डालना, ये तीन बार और ये चार बार, इस तरीके से हमें चार बार क्रोशिया डाल के एक पफ बना लेना है। ये हमारा बन गया एक पफ। अब फिर हमें लेनी है तीन चेन और ये जो छह डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन थी, इसमें से लेके हमें करना है एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमें तीन चेन, तीन चेन लेके और ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर थोड़ी सी ऊन लेके हमें इस तरीके से इसमें बनाना है एक पफ, एक बार क्रोशिया डाला, दो बार क्रोशिया, तीन बार और ये चार बार, इस
तरीके से, और ये दो को लास्ट में निकाल दिया, ये हमारा एक पफ बन गया, तीन चेन। फिर हमारा ये छह डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन है उसमें से लेना हमें एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, और फिर हमें बनाना एक पफ, एक दो तीन चार, इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनता चले। मैं ये रो यहाँ तक बना के दिखाती हूँ बीच क्लस्टर। ये देखिए, ये मैंने ले लिए तीन चेन, और फिर हमें इसमें करना है सिक्स डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। ये हमारा तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, और फिर तीन डबल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया और दो चेन होगी। ये क्लस्टर बनाने के बाद हमें लेनी है तीन चेन, देखिए। फिर हमें बनाना है इसमें सिंगल क्रोशिया में एक पफ, एक दो तीन और ये चार, सबको एक साथ निकाल के इन दो को लास्ट में एक बार निकाल देना, फिर तीन चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया में बनाना है हमें एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, और ये सिंगल क्रोशिया में बनाना है हमें एक पफ, चार बार क्रोशिया लेके और इस तरीके से हमें एक पफ बना लेना है। फिर लेनी है तीन चेन, ये पूरी रो हमारी इसी तरीके से चली। ये देखिए, पूरी सेकंड रो को मैं बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें तीन चेन लेके और इसको एक दो तीन, थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच की मदद से ऐसे जोड़ देना है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे लगाना है दूसरा रो। देखिए फ्रेंड, मेरी ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। एक हमारा पोचो का फ्रंट भाग ये है और बैक भाग ये, यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया है, यहाँ पे भी सिक्स डबल क्रोशिया। अब मैं डार्क पिंक रंग से इसकी थर्ड रो को बनाती हूँ। इसमें से लेके हमें इसमें से तीन चेन लेनी है, दो डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद फिर दो चेन, ये हो गया तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लेनी है हमें, और ये तीन डबल क्रोशिया के लास्ट वाली चेन में थर्ड में हमें लेना है एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमें लेनी है एक चेन, और हमें लेना है सिक्स डबल क्रोशिया। ये पफ के ऊपर ऐसे हमें लेना है सिक्स डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर ये तीन डबल क्रोशिया हो रहा है। ये हमारा हो गया तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर तीन डबल क्रोशिया, एक चेन लेके फिर हमें इसमें लेना है एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर लेना हमें इसके ऊपर छह डबल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया, एक दो तीन, एक चेन, ये तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हमें लेना है एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारा डिजाइन इस तरीके से बनेगा, और पोचो के पास में, फ्रंट के पास में हमने ये एक सिंगल क्रोशिया लिया है, यहाँ पे एक पफ बन जाएगा, और यहीं से हमारा पोचो ऐसे बढ़ता चला जाएगा दोनों तरफ से, फ्रंट से और बैक से। देखिए, ये हमारी रो इसी तरीके से चलेगी, सिक्स डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सिक्स डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया।
देखिए, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, छः डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ बीच क्लस्टर तक आ गई हूँ। अब हमें इसमें थर्ड की चेन में लेना है एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद लेनी है दो चेन, फिर बनाना हमें एक क्लस्टर, थ्री डबल क्रोशिया, दो चेन, थ्री डबल क्रोशिया। दो चेन, फिर हमें करना है कि यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर हमें इसमें बनाना है सिक्स डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। जब हमारा ये क्लस्टर बनेगा तो इसके साथ में लेनी है हमें दो चेन और बाकी थर्ड रो में हमें लेनी है बीच में पूरे में एक एक चेन और फिर हमारी ये पूरी डिज़ाइन इसी तरीके से बनता चला जाएगा। पूरी रो बनाते हुए मैं ये थर्ड रो यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें करना है इसमें एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद लेनी है दो चेन और इसकी तीसरी चेन में हमें यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देना है और ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए हम ये इसे बीच तक ले जाएंगे और दूसरा रंग लगा देंगे। तीन चेन, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा हो गया तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। अब हमें लेनी है तीन चेन। तीन चेन लेने के बाद अब हमें बनाना है इसमें सिंगल क्रोशिया में एक पफ। एक, दो, तीन और ये चार, चारों को एक साथ निकाल के और फिर दो का एक कर देना है। ये हमारा बन गया पफ। अब हमें लेनी है तीन चेन और इसमें सिक्स डबल क्रोशिया के बीच की चेन में लेना हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर यहाँ पे हमारा पफ आएगा। ये देखिए, ये सेकंड रो की तरह हमारी बनेगी, फोर्थ रो और थर्ड रो की तरह बनेगी फिफ्थ रो। इस तरीके से हमारी ये सारी रो बनती चली जाएगी और ये डिज़ाइन बहुत ही जल्दी बनने वाला है और बहुत सुंदर लगता है। और ये हमारा पोचो इस तरीके से यहाँ क्लस्टर के पास से ये पफ के यहाँ से ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से जितनी हमें लंबाई रखनी है हम ये रो बढ़ाते जाएंगे और हमारा पोचो आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं इसे पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये पोचो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लगानी है इसमें लटकन और गले की डोरी और किनारी। मैंने इसमें कुछ लटकन लगा ली हैं, कुछ मैंने छोड़ रखी हैं, तो मैं लगा के दिखाती हूँ। ऐसे चार उनके धागों को 8-8 इंच लंबाई में काट के और हमें इस तरीके से सीधी तरफ से ऐसे क्रोशिया की मदद से हर एक में से डालते हुए और इस तरीके से इसे खींच दें और ये लटकन लगा के हमें कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से हमें ये जो कम ज्यादा है उसे खींच दें और जो बाद में छोटे बड़े हैं उसे कैंची से काट दें। मैं एक और लगा के दिखाती हूँ। अगर आप लटकन नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे कोई बॉर्डर भी बना सकते हैं, डिजाइन कोई बॉर्डर। देखिए इस तरीके से मैं ये सारी लटकन लगा के कंप्लीट करती हूँ। क्रोशिया में ऐसे चारों
उनके धागों को लेके और इस तरीके से सीधी तरफ से ऐसे लगाना, और जो कम ज़्यादा है तो उसे थोड़ा खींच दें, कम ज़्यादा को काट भी दें। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। डोरी बनाने के लिए 3 मीटर के करीब ऊन लेके बीच में से ऐसे स्लिप नोट लगा के और हमें ऐसे क्रोशिए पे ऊन लेके और ऐसे निकाल के चले जाना है। ये देखिए, ये हमारी डोरी बनती चली जाएगी जो कि काफ़ी जल्दी बन जाती है और काफ़ी सॉफ्ट भी होती है। इस तरीके से हमें ये डोरी बना लेनी है। मैं पूरी बना के इसे फिर दिखाती हूँ। गले की किनारी बनाने के लिए उंगली पे ऐसे ऊन लेके और एक हमें लगा लेनी है स्लिप नोट। स्लिप नोट लगा के पोचों के बीच में से ऐसे गले में से डाल के और हमें लेना एक सिंगल क्रोशिया, इन दोनों धागों को खींच लें, फिर एक और सिंगल क्रोशिया इसी जगह से। अब लेनी है हमें दो चेन। लेने के बाद शुरुआत के जो दो हुक हैं उनमें से लेके हमें लेना है डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक दो की चेन और फिर हमें लेना है एक डबल क्रोशिया दो बार, और 3 क्रोशिये के ये हुक डबल क्रोशिया छोड़ के और 3 के बाद जो गैप है उसमें हमें एक करना है सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 2 चेन लेनी है, फिर ये जो एक इसके दोनों हुक हैं, एक ये वाला हुक और एक ये वाला, दोनों को क्रोशिए पे लेके हमें करना है डबल क्रोशिया। एक बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया और फिर हमें 3 क्रोशिए के डबल क्रोशिया छोड़ना है, 1, 2, 3, और 3 के बाद गैप में से हमें करना है सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर ये क्रोशिए पे 2 हुक लेके और हमें करना है डबल क्रोशिया। उसके बाद 3 छोड़ के हमें करना है एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमारे ये किनारी बनती चली जाएगी। ये देखिए, क्रोशिए पे ऊन लेके और ये दोनों हुक लेने हैं हमें, 1 और ये 2, इससे क्रोशिया लेके और हमें करना है डबल क्रोशिया, फिर एक बार और करना है हमें डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिए के बाद क्रोशिए पे बगैर ऊन लिए हमें करना है एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इन दोनों हुक को लेके हमें करना है एक डबल क्रोशिया, 1 और डबल क्रोशिया और फिर 3 के बाद करना है हमें एक सिंगल क्रोशिया। ये इस तरीके से हमारा बॉर्डर बनेगा। पूरा बना के दिखाते हैं। ये देखिए, मेरी गले की किनारी कंप्लीट हो गई है और मेरी ये डोरी भी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये डोरी डाल ली है और इस तरह की मैंने गले की किनारी भी बना ली है, और मैंने इसमें ये इस तरह के 2 रंग का पोम बनाया है। इस तरह का पोम बनाने के लिए हमें गत्ते के टुकड़े पे अलग अलग दोनों ऊन को 50-50 बार लपेटना है और उसके बाद इसका पोम बना लेना है। ज़्यादा बारीकी से सीखने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, आप उसमें से देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों पोम लगा लिए हैं। अब मेरा पोचो कंप्लीट हो गया है। आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।